बेटा मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। और हम सवाल नंबर 10 करने जा रहे हैं। 9 सवाल तक हमने कर लिए थे। 10वां सवाल देखिए कि ये एक आकृति दे रखी है एक लैंप शेड की, और इसका ये मतलब लैंप शेड का फ्रेम है, और इसको एक कपड़े से ढका जाना है, कपड़े से ढका जाना है, और इस तरह से ढका जाना है कि ये जो आकृति दी हुई है इस आकृति के दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी कपड़े की 2.5 और 2.5 ऊपर नीचे अलग रहे, और इसका आधार का फ्रेम 20 है। ये एक आकृति है, इसका आधार जो है वो 20 सेंटीमीटर है, आधार का व्यास जो है ये 20 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 सेंटीमीटर व्यास। तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी बन जाएगी, 10 सेंटीमीटर, और इसकी ये जो ऊंचाई दे रखी है ये दे रखी है 30 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, ये जो ऊंचाई दे रखी है ये 30 सेंटीमीटर है। मैं आपको एक चित्र दोबारा बना के बताना चाहता हूँ कि ये करना क्या चाहते हैं। सवाल की स्टेटमेंट आपने पढ़ भी ली होगी। देखिए कि ये एक इसके ये लैंप शेड है, और इसके ऊपर कपड़ा लगाना चाहते हैं, और वो कपड़ा इस प्रकार से लगाना चाहते हैं कि कपड़े की जो लंबाई है वो 2.5 सेंटीमीटर ऊपर और 2.5 सेंटीमीटर नीचे ज़्यादा रहे, मतलब कपड़ा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ये कपड़े को इस प्रकार से वो करना है, मतलब लैंप की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन 2.5 सेंटीमीटर ऊपर और 2.5 सेंटीमीटर नीचे इसके कपड़ा अधिक होना चाहिए, और ये बीच की जो लंबाई है ये 30 सेंटीमीटर है। कपड़ा 2.5 ऊपर और 2.5 नीचे होना चाहिए। अब आप देखिए, आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। मान लिया कि लाल, यहाँ पे देखिए रेड कलर का तो फ्रेम है, और ग्रीन कलर का ये कपड़ा है, समझ लीजिए इसको ढका जाना है। इस फ्रेम का व्यास 20 सेंटीमीटर है, आपको बता ही दिया है, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अधिक अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है, अतिरिक्त कपड़ा मोड़ने के लिए छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। अगर हम कपड़े के आधार पर सोचें, देखिए तो लैंप शेड की लंबाई 2.5 ऊपर और 2.5 नीचे यानी कि 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो पहले जो है वो लिख लीजिए, लैंप शेड का व्यास, लैंप शेड का व्यास, व्यास है इसका 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या बन गई 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। लैंप शेड की ऊंचाई, लैंप शेड की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, तो इसलिए कपड़े की क्या हो जाएगी, कपड़े की ऊंचाई कितनी बन जाएगी, कपड़े की ऊंचाई क्या बनेगी, फिर कपड़े की ऊंचाई बनेगी 30 सेंटीमीटर का तो लैंप शेड है ही, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर 2.5 सेंटीमीटर नीचे यानी बन गई 35 सेंटीमीटर। तो अब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप निकाल दीजिए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में आपने जो त्रिज्या है वो 10 लगानी है और ऊंचाई जो है वो 35 लगानी है। तो लगाइए, इसके बाद क्या बनता है, देखिए कपड़े का क्षेत्रफल कितना बनेगा, 2πRH यही है। और आप देखिए 2π का मतलब 22/7, R का मतलब 10 और H का मतलब 35, क्योंकि कपड़ा 2.5 ऊपर और 2.5 नीचे ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए 7×5=35, 5×2=10, ये बन गया 2200 वर्ग
सेंटीमीटर इतना कपड़ा लगेगा। बस इसमें यही सोचना है कि कपड़ा ज्यादा है ढाई ऊपर, 2.5 ऊपर, 2.5 नीचे, इसलिए 5 सेंटीमीटर यानी कि ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, बाकी वही रहेगा। इसके बाद आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कमलदानों से बेलनाकार आधार वाले कमलदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। बेलनाकार है कमलदान, ऐसे ही बेलनाकार और कमलदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर का ऊंचाई का त्रिज्या जो है, त्रिज्या यानी के बीच में से ये जो है त्रिज्या, ये त्रिज्या है यहां से लेकर यहां तक बीच तक, तो ये त्रिज्या इसकी कितनी 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई, ये ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था, गत्ते के बनाए। इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कुल कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा। हम एक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे क्योंकि बेलनाकार कमलदान है एक आधार वाले, यानी कि नीचे से बंद है, ये नीचे से तो बंद है ऊपर से खुला है, तो नीचे का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा और त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10.5 है, तो एक कमलदान का क्षेत्रफल निकाल के उसको 35 से हम गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 35 कमलदानों का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास। तो इसको निकालने के लिए देखिए आप क्या करेंगे, कमलदान की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, कमलदान की ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर, कमलदान का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, और हमें पता है 2π जो है 22/7 होती है, r जो है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर है, एच जो है वो कितनी है 10.5, हटा के इसको 10 नीचे, तो इसको हम करेंगे 7 × 7, 7×5 = 35। ठीक, अब आप देखिए क्या बन गया, ये 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10, 2 से 2 कट गया। ठीक, और अब आप देखिए क्या बन गया, 3 × 3 = 9 और 22 को 9 से गुणा करेंगे, 22 गुणा में 9, इसके बाद 9 × 2 = 18, 198 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका वक्र पृष्ठ आ गया, लेकिन नीचे से बंद है, एक आधार है इसका, देखो एक आधार, तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल किसके बराबर, आधार जो वृत्ताकार है तो पाई आर की 2 और पाई 22/7 आर की 2 यानी कि 3 × 3, 22 × 198/7 यानी आप इसको जोड़ दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दो सेंटीमीटर। अब आप कुल क्षेत्रफल, तो इसमें जोड़ना है तो हम यूं भी कर सकते हैं, इसको
दशमलव में ले आइए, 7 × 14 और 5 बच गया, और 7 × 8 = 56, 2 बच गया, 7 × 14, 6 × 7 = 56, ये इस तरह से चलेगा। तो इससे बेटर है, इसमें थोड़ी गड़बड़ी आ सकती है। 198.7 हम यूं का तू कर देंगे इसको, 198.7 ही रखेंगे। तो अब आप या इसको यूं का तू रख लीजिए, कोई बात नहीं। तो एक कमलदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक कमल दान पर लगे गत्ते का क्षेत्रफल एक सौ अट्ठानवे वक्र पृष्ठ था और 28.28 ये हो गया। तो आप इसको जोड़ दीजिए, 2 × 8 = 16 और 12 226.28 वर्ग सेंटीमीटर। ये एक कमलदान का आ गया 226.28। तो 35 कमलदानों का क्या आएगा, तो इसलिए 35 कमलदानों के लिए गत्ता, 35 कमलदानों के लिए गत्ता कितना आएगा, इसको 35 से गुणा कर दो, 226.28 गुणा में 35। और जब हम इसको 35 से गुणा करेंगे तो बच्चों हमारा उत्तर आएगा लगभग 719.8। हम 35 के लिए करें तो हम बेटर ये है बेटा, अगर इसको हम करते हैं तो ये 7900 आता है, गुणा करने पर आएगा इसका 719.8, लेकिन ये 8 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसलिए दशमलव में आ गया क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको दशमलव में बदल दिया। मैं दूसरी कैलकुलेशन भी साइड में कर देता हूँ, अगर हम इसको यूं करते, यहाँ पर 198.7 को जोड़ते सीधा, तो ये लगभग हमारा 7920 आता पूरा का पूरा। तो आप इसको यूं ना जोड़ के, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि आप इसको यूं कर लीजिए, 100 कुल जोड़ने का, कुल जो है 198 + 198 10/7, मतलब दशमलव वाला ना जोड़ें, 28.28 ना जोड़ें, 198/7 जोड़ दीजिए, और 198/7 जोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा 7 × 8 = 56 और 7 × 63 और 5 × 68 6 × 3 + 198/7 अब आप इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 6 × 8 = 14 और 8 × 9 = 17 और 1 = 18 4 × 5 1584/7 1584/7 बना एक का। और 35 कमलदानों का क्षेत्र, अगर वहां से मैं यहां ले आता हूं, एक कमलदान का बना 1584/7 और 35 का निकालना है तो गुणा में 35 और इसको 7 × 5 और ये पूरा का पूरा जो है क्या बनेगा आपका 7920 बनेगा। तो इसलिए कैलकुलेशन ये ना करें आप, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ना जोड़ें, ये जोड़ने की बजाय आप ये जोड़ दीजिए 198.7, तो आपका उत्तर सही आएगा। क्योंकि दशमलव में पूरा पूरा ना कटता हो तो फिर सही उत्तर नहीं आ पाता है, दशमलव में फर्क रह जाता है। तो इसलिए आप इसको, मैं दोबारा बता देता हूँ आप, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, सिर्फ गुणा हमारा 198 ये आ रहा है और 198/7 ये आ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा, 198 था पहले, एक 198 आया हुआ था और दूसरा 198/7 था, तो आप इसका लघुत्तम लेंगे 7
तो इसको करेंगे तो 7 × 8 = 56 और ये 1386 और ये 198 और जोड़ेंगे तो ये 1584/7 बनेगा। ये एक कमलदान का क्षेत्रफल बना और 35 का निकालना है तो आप 1584/7 गुना में 35 करेंगे तो जो है 7×5=35 और ये बनेगा हमारा 7920 वर्ग सेंटीमीटर। मैंने आपको अलग से कैलकुलेशन का मेथड बता दिया कि आप ये कर सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें।